इनके घरों में भी इनको नहीं रहना देना, ये लोग शरण आपकी टाइप के होना पूरी तरीके से, और आपके रहते हुए दबंग तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा हमने कि गिरफ्तारी शीघ्र हो जाए, जो इसमें अपराधी लोग हैं वो इनको हॉस्पिटल में लगाते हैं वहाँ पे। नहीं ऐसा नहीं, अभी मैं कार्रवाई कर। नगर पालिका की जमीन हमारे घर के बगल में, नगर पालिका वाले वहाँ पे समुदाय भवन बनाना चाह रहे हैं, तो इन दोनों लोग ने तो बिच्छू मसीन ये नगर पालिका तो मैदान के गड्ढा गुड्ढी पूर के वो लोग आ रहे हैं बाद शाम के। अभी तो शायद पनागर से आए थे, कैसे कहेंगे। हाल ही में एक पनागर में एक सरकारी जमीन पर नगर पालिका के द्वारा वहाँ पर अतिक्रमण हटाया गया था, और उस अतिक्रमण मुक्त भूमि को लेकर के वहाँ के स्थानीय दो समाजों के बीच में एक झगड़ा हुआ था, और उस झगड़े में दोनों पक्षों के कुछ लोग घायल हुए थे। उसमें एक पक्ष के द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें उनकी मांग की गई है कि दूसरे जो पक्ष है उसकी अविलंब गिरफ्तारी की जाए। इसमें चूंकि दोनों पक्षों को चोटें आई हैं, दो अलग अलग विवेचक हैं, उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि शीघ्र इसमें जैसे मेडिकल रिपोर्ट्स आए हैं और बाकी जो इसमें साक्ष्य मिले हैं उसके अनुसार अविलंब कार्रवाई की जाए। तो गाड़ी अभी बक रही थी, मेरा भतीजा बोला कि क्यों तू गाड़ी का बक रही है, तो बक रहा है तो रोड पर चल के बक, हमारे घर के सामने मत बक, मान लो बस इतने के बीच में आठ दस मिनट सात आठ घर हैं, सात आठ लोग घर में घुस के मारे और औरतों को भी मारे, एक तो गाय घर में बंदी गाय को भी मारे, हम लोग आ गए खाने आ गए, उसके बाद फिर के जाके जब वहाँ कुछ मिला तो भाई लोगों को घर में खदेड़ खदेड़ के हुआ, जब सब खाली मकान है तो सामान भी तोड़ दिया, सामान उठा बट लोग हैं सर। सभी व्यवस्था की जाए जब वहाँ झगड़ा की बात तो हुआ, वो किसी को कोई मारेगा तो बचाव तो करेगा, बाद वो पुलिस को पुलिस आई घायल लोगों को ले गई, बाकी हम लोग महिलाएं लोग बचे, फिर उन लोग के कम से कम 25-30 लोग आए, हम लोगों को घर के दरवाजे तोड़े, कम से कम 6-7 घर के लोग सभी को मतलब वो किया, मतलब हाँ हथियार लिए थे, हम लोग के दरवाजे करे, हम लोग अपनी जान बचा के कोई यहां